का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा देखने को मिला, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां पर वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम रहा। तो सुबह 7 बजे से दूसरे चरण का चुनावी रण जारी है, कब वोटिंग होगी, कब नतीजे आएंगे और किन किन मंडलों में चुनाव होना है। अगर कोई दर्शक प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन लगातार देख रहा है तो वो ये समझ जाएगा कि आखिर किस तरीके से किन चरणों में और कहां कहां आज चुनाव हो रहा है। प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन को दर्शक देख कर ये पूरा समझ सकता है। तो वही औरैया से जाहिद हमारे साथ जुड़े हैं। जाहिद, 11 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज अब आ चुकी है, सबसे पहले तो क्या रहा औरैया का वोटिंग परसेंटेज? हालांकि अगर बात की जाए तो वहां पर थोड़ा परसेंटेज देखा जाए तो 11 बज चुका है, तो परसेंटेज थोड़ा कम चल रहा है। पर भाई जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा घरों से बाहर निकलो, 50% से 70% जाना चाहिए। जाहिद, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज अब सामने भी आने लगा है और भदोही में 11 बजे तक 23% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो अलीगढ़ में 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। तो वही औरैया में 25.36% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो कब वोटिंग होगी, कब नतीजे आएंगे, किन किन मंडलों में आज चुनाव है, यह प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। तो वही आपको बता दें कि आज 38 जिलों की जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। तो ये चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि पश्चिमी यूपी कहीं ना कहीं सपा का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए इन क्षेत्रों में सेंधमारी करते हुए जीत दर्ज करना एक बेहद बड़ी चुनौती है। तो एक बार फिर से हमारे साथ जाहिद सीधे औरैया से जुड़े हैं। जाहिद, 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज अभी आपने जिक्र किया कि सामने आ चुका है और अब उससे ज्यादा का समय बीत चुका है, यानी कि 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। तो क्या मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ देखने को मिल रही है या फिर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब गर्मी की वजह से घरों के अंदर ही कैद है? मैं आपको बता दूं कि 11 बजे तक ये वही अगर बात की जाए तो बराबर लोग मत करने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। अगर आप देख सकते हमारे पीछे किस तरीके 4 घंटे की दूरी पर दिखाई दे रही है और लोग मत करने के लिए घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। वही अगर जिलाधिकारी की बात की जाए तो उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने घरों से निकल कर मतदान को शुरू करें। ठीक है, बिल्कुल जाहिद, लोगों से ये अपील तो की जा रही है कि वो मतदान करें, लेकिन क्या वाकई में उस अपील का असर औरैया में देखने को आपको मिला है? जिस तरीके से जिलाधिकारी लोगों से अपील की है तो काफी लोगों में फर्क भी आ गया, तो काफी फर्क आ चुका है। लोग अब घरों से बाहर निकल के मतदान की ओर बढ़ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिद, तो लगातार आपने तस्वीरों के जरिए हम तक ये पहुंचाने का और दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यहाँ जो कांटे की टक्कर है एक बार फिर हम जानना चाहेंगे वो किन किन प्रत्याशियों के बीच है। मैं मुझे आपको बता दूं कि यहाँ औरैया की अगर बात की जाए तो औरैया नगर पालिका, एक नगर पालिका, 6 नगर पंचायत, इसमें नगर पालिका की ये है कि इसमें तुलकोली टक्कर पानी जाए, जिस तरीके से अखिलेंद्र पार्टी की बात किया उस पर राजकुमार दुबे जी खड़े हुए हैं और समाजवादी से अगर बात की जाए तो अनु गुप्ता जी खड़े हुए हैं, वही निर्दलीय प्रत्याशी लालजी शुक्ला भी चुनाव मैदान में, तो इन तीनों लोगों में तुलकोली टक्कर मारी जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद जाहिद हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट और जानकारी साझा करने के लिए तो लगातार हमारे सहयोगी सुबह 7 बजे से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्राइम टीवी हर एक चीज की सटीक और सही जानकारी आप तक लगातार निकाय चुनाव के दूसरे चरण की पहुंचा रही है और जिसको लेकर के प्रशासन भी अब पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली तो वहीं बीएलओ की लापरवाही को भी नजरअंदाज नहीं जा सकता है, क्योंकि कई वोटर्स ऐसे थे जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने तो पहुंचे लेकिन वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट से ही गायब है। तो 38 जिलों की जनता आज सुबह 7 बजे से अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। तो आपको बताते चले कि जो सुल्तानपुर के 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है वो 21.84% रहा, तो जनता लगातार मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुंच रही है। तो वही अंबेडकर नगर से हमारे साथ राहुल जुड़े हैं। राहुल, 4 घंटे से ज्यादा का समय अब निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का बीत चुका है, ऐसे में मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें अब कैसी
देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सूरज है वो अब लोगों के सर के ऊपर और तापमान भी बढ़ चुका है। राहुल, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। राहुल, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अब 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब सूरज लोगों के सर के ऊपर पहुंच चुका है और तापमान भी बढ़ चुका है, तो जो मतदान केंद्र वहां की तस्वीरें अब कैसी हैं? तस्वीरें जो है गर्मी को लिहाजा देखते हुए अब तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं जो सामने निकल कर आ रही है, जो सुबह में एकदम जमवाड़ा था, लोगों में उत्साह था, मतदान केंद्रों पर जो भीड़ देखी जा रही थी, जैसे तस्वीरें हम सुबह से ही आपको दिखाते नजर आ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, लेकिन अब कुछ ना कुछ गर्मी की वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं अब थोड़ा सुस्त नजर आ रहे हैं। हो सकता है शाम में तादाद बढ़े, लेकिन आपको मुस्कान जी हम परसेंटेज बता देते हैं, 11 बजे का अम्बेडकर नगर का 7 नगर पालिका पंचायतों का क्या है। सबसे पहले नगर परिषद अकबरपुर का बता देते हैं, 23.4% है, और नगर पालिका परिषद टांडा का 25% है, और नगर पालिका जलालपुर का 24% है, और नगर पंचायत अशरफपुर कुछौछा का 24.17% है, और नगर पंचायत इल्फाजगंज का 27.19% है, और नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर का 21% है, और नगर पंचायत जागीरगंज का 26% है। कुल योग 11 बजे तक का ये अपडेट है। कुल अगर मिलाकर के एक शब्दों में कहें तो 24.39% जो टोटल मतदान कुल जनपद अम्बेडकर नगर में अभी तक हुआ है 11 बजे तक। बिल्कुल, तो राहुल, इन आंकड़ों को देख करके आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रही है या फिर पहले के मुकाबले परसेंटेज कम है? नहीं, जनता लगातार, क्योंकि जनता सुबह से ही उत्सुक नजर आ रही थी, हमने जैसे कि पहले सुबह में ही 8 बजे आपको तस्वीरें दिखाई थी जनपद अम्बेडकर नगर से उत्साह, लेकिन लिहाजा गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं लोग घरों से अब निकलना थोड़ा कम कर दिए हैं। हालांकि शाम को हो सकता है कि जब धूप की कम हो तो घर से निकले और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा मतदान हो रहा है। इसके अलावा आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा मुस्कान जी कि ये अकबरपुर की अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर अकबरपुर जो पालिका है वहां पर कुल वोटों की संख्या 19,691 वोटों की संख्या है। वहां पर भी बीजेपी की जो सरता जो मौजूदा में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है सरता गुप्ता जी हैं, और पूर्व में भी अध्यक्ष के पद पर रह चुके भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, तो ऐसे में जी राहुल जी मुस्कान राहुल, मेरा सीधा सवाल अब ठीक है राहुल, मैं वापस आऊंगी, लेकिन अब सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी तक आपके क्षेत्र में कितने वीआईपी वोटर्स ने अपने मत का इस्तेमाल किया है? अगर वीआईपीओ की अगर देखिए बात करें तो वीआईपीओ चाहे सामान्य आदमी हो, नागरिक हो, क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव है, ये एक न्यू माना जाता है, राजनीति ये एक न्यू है, यहीं से जमीनी जो है न्यू यहीं से उठती है, लिंटर तक का पहुंचती है, चाहे वीवीआईपी हो चाहे आम जनमानस हो, लगातार अपने मत का प्रयोग कर रही है। जी मुस्कान जी, ठीक है राहुल, अभी आपने जिक्र किया था कि अकबरपुर की एक ऐसी सीट का जहाँ पर शायद मेरे आंकड़ों के मुताबिक 19,000 से ज्यादा वोटर्स थे, तो उस पूरे क्षेत्र की कहानी आप अभी हम तक साझा कर रहे थे, बताइए उस कहानी को। मुस्कान जी, हम आपको बताना चाहेंगे जो हमने अगर वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आवास और शौचालय और गंदगी का अंबार जगह जगह को देखने को मिला है, जो मैंने जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट तय किया गया है। हालांकि जो इसके पूर्व में अध्यक्ष रह चुकी हैं सत्ता गुप्ता, उनका कहना है कि हालांकि विकास हुआ है लेकिन जल जमाव जल निकासी की भी समस्या है। जल निकासी की समस्या इस हद तक का है कि कलेक्ट्रेट परिसर जहां डीएम का ऑफिस है वहां पर जल जमाव हो जाता है भारी जब बारिश होती है, तो ऐसे में तमाम चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एहतियातन
जनता जनार्दन भी ये तय कर चुकी है कि इस बार बदलाव होगा, क्योंकि ये अंबेडकर नगर जनपद की पांचों सीट सपा का काबिज रही है। इससे पूर्व में बहुजन समाज पार्टी ही का दबदबा रहा है। हालांकि गठबंधन होने के बाद ठीक है पांचों सीट जो है सपा का कायम रहा है। एक पहलू और ये भी है कि इस बार कुछ न कुछ बदलाव होगा, क्योंकि जनता जनार्दन एक बात को लेकर खासा नाराजगी है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में जो सरकार है वो कहीं न कहीं बीजेपी की है, केंद्र में हो चाहे प्रदेश हो। और जो अंबेडकर नगर के पांचों विधायक हैं वो सपा से हैं, गठबंधन से हैं, कहीं न कहीं विकास को लेकर इसको अड़चने आ रही, जो जनता का ऐसा मानना है। जी मुस्कान आजमानी, बिल्कुल, यानी कि इस बार एक बड़ा उलट फेर जब नतीजे आएंगे तो देखने को मिल सकता है अंबेडकर नगर में। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जो हमारे सहयोगी है वो सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर मौजूद है और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि प्राइम टीवी सीधी सटीक और जमीनी स्तर से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो वही प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कब वोटिंग है, कहां वोटिंग है, कब नतीजे आएंगे और आज कितने जिलों में चुनाव होना है, ये भी प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन को देखकर हमारे दर्शक पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको बताते चले कि आज 48 जिलों की जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, तो वही 9 मंडल की जनता भी अपने वोट डालेगी। इसमें मेरठ मंडल, बरेली मंडल के साथ ही अलीगढ़ मंडल, कानपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, अयोध्या मंडल और बस्ती मंडल की जनता अपने मत का इस्तेमाल आज करती हुई नजर आ रही है। तो पीलीभीत से हमारे सहयोगी अमित पाल भी सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, पीलीभीत के 11 बजे तक के जो वोटिंग के परसेंटेज है वो भी अब सामने आ चुकी है, तो सबसे पहले क्या रहा वोटिंग परसेंटेज और मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें कैसी हैं? ये आपको बताते चले कि पीलीभीत में अगर देखा जाए तो अच्छी तरह से अभी तक परसेंटेज चल रही है और जो मतदाता लोग हैं अच्छी तरह से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले पीलीभीत में अधिकतर अभी देखा जा चुका है 22% से ज्यादा मत किया जा चुका है। आपको बताते चले पीलीभीत की खबर ही, क्योंकि देखा जाता है कहीं कहीं कितना लो चल रहा है, कितना कम चल रहा है, लेकिन पीलीभीत में अभी तक अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से मत किया जा चुका है, क्योंकि 22 से 23% पीलीभीत में वोटरों ने अपना मत कर चुके हैं लगभग। और पूरनपुर में जो है नगर पालिका पूरनपुर में 16% चल रही है, बीसलपुर में 15 और जहानाबाद में लगभग 14% का मत हो चुका है। यानी कि अमित, अगर हम वोटिंग परसेंटेज पर एक नजर डालें तो क्या माना जाए कि पहले से वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है या फिर गिरावट दर्ज की गई है वोटिंग परसेंटेज में? जी जी, अब अगर पहले से अगर देखा जाए तो परसेंटेज पे तो अच्छी तरह से अभी तक चल रहा है, अभी तक गिरावट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 22% कोई कम नहीं। अभी लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, वोटर लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार रहे हैं इधर। बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि 11 बजे तक 22% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और शाम 6 बजे तक इस वोटिंग परसेंटेज में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो या तो ज्यादातर सुबह के समय अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचते हैं या फिर शाम 4 बजे के बाद की जनता है वो अपने घरों से बाहर निकलती है, अपने मत का इस्तेमाल करती है। और मतदान करना जरूरी भी है, क्योंकि 5 साल के बाद जनता को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिनिधि को चुनने का मौका मिलता है और शहर की सरकार को बनाने का मौका जनता को मिलता है। तो जनता को अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए, घरों से बाहर निकलना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट विकास की एक नई तस्वीरें बयां करेंगे, एक विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। तो प्राइम टीवी भी अपने दर्शकों से लगातार यही अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से निकले, तापमान भले ही गर्म हो लेकिन आपका जो हौसला है वो लगातार हाई होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास पूरे 5 साल बाद मौका आया है। तो बाराबंकी में निष्पक्ष तरीके से जो मतदान है वो लगातार जारी है, निष्पक्ष तरीके से मतदान जारी है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी अलर्ट मोड पर नजर आए। डीएम अविनाश, एसपी दिनेश सिंह ने किया निरीक्षण, तो शांतिपूर्ण तरीके से बाराबंकी के सभी बूथों पर मतदान किया जा रहा है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं से एसपी ने अपील भी की है, एसपी ने अपील करते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है, निर्भीक होकर मतदान करने की भी एसपी ने अपील की है।
वहीं एसपी ने सख्त हिदायत दी है कि माहौल बिगड़ने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एसपी ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए सभी बूथों का निरीक्षण करते हुए मतदाताओं से अपील भी की है। बुलंदशहर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बुलंदशहर में किया गया है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ बूथ के पास खड़ी दिखी गाड़ी। सपा प्रत्याशी अर्चना पांडा ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। तो निर्वाचन आयोग से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रत्याशी को बूथ के पास तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये निर्वाचन आयोग से एक बड़ी अपील की गई है। कानपुर में कैबिनेट मंत्री परिवार सहित मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री अपने परिवार के साथ अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने किदवई नगर के मतदान केंद्र पर अपना वोट दिया है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने लोगों से अपील भी की है। तो राकेश सचान ने इस दौरान लोगों से अपील भी की है। आपको बताते चले कि कानपुर में भी जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। तो वही कैबिनेट मंत्री ने अपने परिवार के साथ अपने मत का इस्तेमाल किया है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने इस दौरान लोगों से अपील भी की है कि वो अपने मत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कानपुर के काकादेव में मतदान केंद्र में पकड़ा गया एजेंट। काकादेव में मतदान केंद्र में एक बीजेपी का एजेंट पकड़ा गया है। आरएसपुरम के प्रभात पब्लिक स्कूल में ये एजेंट पकड़ा गया है। एक राजनीतिक दल पर वोट डालने के लिए ये युवक जो है वो प्रेरित करता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने इस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने गंभीर आरोप लगाया और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीलीभीत में मतदान स्थल पर दिखी लापरवाही। तो मतदान केंद्र पर बड़ी लापरवाही पीलीभीत में देखने को मिली है। आपको बता दें कि बुजुर्ग लोगों के लिए व्हील चेयर तक की व्यवस्थाएं पीलीभीत में नहीं की गई है। तो व्हील चेयर की समुचित व्यवस्थाएं तक पीलीभीत में नहीं देखने को मिली है। जैसे तैसे अपना मत का प्रयोग करने बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का ट्वीट। तो समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है। फर्जी मतदान को लेकर सपा के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है। चुनाव आयोग से मामले को संज्ञान में लेने की भी मांग की गई है। तो चुनाव आयोग से मामले को संज्ञान में लेने की अपील समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट करके की है। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराए जाने की चुनाव आयोग से भी अपील की गई है। तो आपको बताते चले कि कन्नौज की गुड़सहायगंज नगर पालिका का ये पूरा मामला बताया गया है, जहाँ समाजवादी पार्टी ने निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की अपील की है। बुलंदशहर में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। डीएम ने लोगों से की अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। तो डीएम ने लोगों से ज्यादा मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। मतदान केंद्र बूथों का डीएम और एसएसपी श्लोक द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। वही 17 निकायों में 276 मतदान केंद्र और 842 बूथ बनाए गए। सभी मतदान केंद्र सीसीटीवी कैमरे से लैस बताए गए, जिस पर कड़ी से कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना पैदा हो पाए। जैसा कि आप जानते हैं, बुलंदशहर जनपद के 17 नगर निकायों के 842 बूथों पर आज सवेरे 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्र सीसीटीवी से लैस हैं। 17 नगर निकायों में पिंक बूथ की स्थापना की गई है। पूरे जिले को 32 जोन और 78 सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा 7 सुपर जोन तैनात किए, जोनल अधिकारी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। सभी बूथों पर बेसिक मिनिमम फैसिलिटी और सारी फैसिलिटी दी गई है, ताकि मतदाता आए तो उसे एक अच्छा अनुभव हो। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जितने भी मतदाता हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो अपने वैध मतपत्र वैध आइडेंटिटी कार्ड के साथ
लगातार जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुबह 7 बजे से दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, तमाम पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं, उनकी साख भी दांव पर लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण है शाहजहांपुर, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के साथ ही जेपीएस राठौर के साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की भी साख दांव पर लगी है, क्योंकि यहां पहली बार जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, यानी कि यहां की जनता पहली बार अपना मेयर प्रत्याशी चुनेगी, जिस पर लगातार वोट जारी है। लगातार जो जनता है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रही है, अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।